तेज बारिश आ गई थी, इसको छोड़ के पक्के आ गया तो नीचे। अब देख जान बूझ के देख गिली हो रही है अभी, इतनी क्यूट लग रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है, तेरे को नजर नहीं लग जाए। या तो दाल आ गई गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिर से नए ब्लॉग में। और आज है ना मैं नहा के तैयार हो गया, मौसम देख सकते हो आप इतना खतरनाक मौसम हो रहा है, बारिश जैसा बहुत ही ज्यादा शानदार। और मैंने खाना बना लिया है, मुझे लग रही है भूख। और आज मैंने स्पेशल बनाया है दाल के पराठे, देख के बताना कैसे लग रहे हैं, टेस्टी खाने में। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने एक बाइट टेस्ट किया था। और बाहर देखो यार, गाइस बाहर देखो, आंधी तूफान आ रहा है, बारिश आई है। और ना मैंने बनाई लहसुन प्याज टमाटर की चटनी, जल्दी से खा लेती हूँ, मुझे मौसम भी बहुत अच्छा लग रहा है, भूख भी बहुत तेज लग रही है मौसम देख के भी। और अब मैं बारिश में नहाऊंगी खाना खाके। बारिश भी हो रही है, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। और गांव से हम कल ही आ गए थे यार, गाइस तो गाइस अभी ठंड ठंडी हवा अंदर तक भी आ रही है, तो खा ले तू जल्दी से। आप भी तो खा लो, आप अगर फिर टाइम पर टेस्ट करना, मैं कर रहा हूं, फर्स्ट बार कर रहा हूं मैं। नहीं नहीं मेरे को अभी नहीं, मैं अभी ना के खाऊंगा यार। नहीं एक बाइट टेस्ट कर, भी गई तू, चल चल चल, मोटी मोटी बारिश आ रही है, ला चीपे वगैरह लेके आ गई साथ में, इतनी तेज बारिश आ रही है, देखो आप लोग। मैंने कहा था आएगी, नहीं नहीं आई, नहीं आई बहुत देर से, तो एकदम से आएगी ना, मैं धीरे धीरे मैं तो ये चाह रहे थे कि मैं धीरे, मैं तो ऐसे बक कर सर्दी लग रही है, इतनी देर से गर्मी लग रही थी, निकल, अरे भीग गई, निकलने आया, तेज बारिश आ गई थी, इसको छोड़ के पक्के आ गया तो नीचे। अब देख जानबूझ के गिली हो रही, बीमार हो जाएगी ना गाइस, जानबूझ के देख गिली हो रही है अभी, कितनी तेज मस्त मस्त बारिश आ रही है यार, इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना, सारी गर्मी है ना ये, अगर देखा जाए ना तो अच्छे से बारिश जो हुई है ना, तो इस साल की फर्स्ट मतलब बारिश है, अच्छी से बारिश हुई। अरे बीमार हो जाएगी ना, दिमाग खराब कर दिया, दिमाग, अरे यार तबीयत खराब हो जाएगी, समझा कर, मेरे को थोड़ी ना तबीयत करनी खराब करनी है, हाँ। तो गाइस जैसे बारिश आई ना तेज, तो देखो आपको भाई नहा रहा था, नहा जो मैं कपड़े लेने पर मेरे भाई नहा रहा था, मैं नहा रहा था पर मेरे से पहले पर ये चुड़ैल चल गई और एक कपड़े लेके आ गए। अब देखो जानबूझ के गीली हो रही है, ले ले आ जा आ जा, नहीं आ रही मैं, बिजली गिर जाती है ऐसे, गिर दी इतने पे बिजली, नहीं आ जा आ जा आ जा, जबरदस्ती के गीला, अरे आ जा आ जा, अरे अंधे पागल है क्या तू, तबीयत खराब, पैर पूछ, तबीयत खराब हो जाएगी। तो गाइस हमने मिंत्रा से एक पार्सल ऑर्डर किया ना जो आ चुका है, हम इसको अनबॉक्सिंग करती हूँ और दिखाती हूँ आपको इसके अंदर क्या है, बहुत अच्छी चीज है, यूज़फुल है। मिंत्रा से मंगवाया था भाई, हमने इसका जो पेमेंट है ना ऑनलाइन ही कर दिया था पेमेंट, तो मैंने क्या मतलब मेरे भाई ने, ओके क्या निकाल दिया, कचरा ही कचरा है ना, तो ठीक है 3 2 1 गो, ये तो बहुत ही प्यारा परफ्यूम है, बहुत प्यारा है, क्या मेरे भाई ने मंगवा रखा था, तो मेरे भाई जैसे मैंने घर पे लगाया था गांव पे, तो मेरे को खुशबू अच्छी लगी, तो मेरे भाई से मैंने बोला एक मेरे भी ऑर्डर कर दे, तो मेरे भाई ने मेरे को भी ऑर्डर कर दिया, तो इसको अनबॉक्स करके और आपको, क्योंकि मैंने यूज तो कर रखा है इसको, बहुत ही प्यारी मतलब इतनी मतलब थीम मतलब खुशबू है ना, बहुत ही प्यारी खुशबू है, लाइट है मतलब ज्यादा, हां बहुत लाइट खुशबू है, बहुत शानदार, अनबॉक्स हो चुका है, देखो गाइस ये वाला परफ्यूम है, देखो इसका नाम है एनवी, ये इतना मस्त है ना, इतना प्यारा मतलब खुशबू जो है ना इसकी, इतनी मतलब लाइट लाइट खुशबू, अरे इतनी प्यारी है ना, कपड़े धोने के बाद भी खुशबू नहीं जाती, करे इसमें, हाँ है ना। तो गाइस मैं ससुर जा रहे चार्ज लेके, और देखो मैंने कपड़े चेंज करे हैं क्योंकि ससुर जा रहे हैं, तो टॉप में और शॉर्ट्स में तो मैं रह नहीं सकती, तो मैंने ना ये पहन लिया फ्रॉक वाला कुर्ता, मुझे ऐसे नींद आ रही है, लेकिन मैं गाँव से चार्ज लेके आ रहे हैं, बेचारे हमारे लिए चार्ज लेके आ रहे हैं, उनको पता है कि हम लोग चार्ज बहुत पसंद, हम जब भी जाते हैं ना गाँव में चार्ज चार्ज करते रहते हैं दोनों के दोनों, उनको पता है भी इनको चार्ज पसंद है, और यार अभी गर्मी में तो हमने चार्ज का रोक जा बना के पियो, क्या मजा आता है ना, और पहले चार्ज लाए थे तो खट्टी भी होगी और ना बहुत पुरानी होगी, और तो पानी पंगल थी, अब पापा नई चार्ज लाएंगे, फिर हम लस्सी बना के पियेंगे, पापा और नाना जी आए थे तो अब जा रहे हैं वापस से गांव पे, तो बाहर छोड़ने आए रानू और मैं, हाँ नहीं रे बात अच्छा पिज्जा बोलता चाह रहा, एक नचा रहा हमारे भी नचा रहा। तो गाइस पापा आए थे तो चले गए, पापा तो उनके साथ नाना जी भी आए थे, वो चले गए, पापा चार्ज लेके आए जैसे मैंने आपको बताया था, और पापा भी जाते जाते पूछ रहे थे कि पैसे चाहिए कि चाहिए, मुझसे पूछ रहे थे, इनसे नहीं पूछ रहे थे, उनको मैंने से भी पूछा था, जो पूरा मुझसे पूछा था बस, मैं तो कितने पैसे ले आया, 6-7 हज़ार रुपए लाया, 10 दिन के अंदर कहना मैं ना बेटा रानू तेरे को चाहिए, फिर मेरे को चाहिए नहीं होता, मेरे पैसे सारे ही ले लेते हैं, मेरे पास जो भी होते हैं ना, पापा मुझे तो कहते हैं यार दे दे, फिर तेरे को दे दूंगा, फिर देते ही नहीं, ऐसे झूठे हैं,
यार तेरे को देखे जाए मेरे को देखे जाए, पैसे तो अपने ही है ना। पैसे तो अपने चालाक, लेकिन गाइस पर एक चीज बताऊं गाइस, मेरे को तो अभी मेरे पापा ने 100 रुपए देके गए थे, मैं से पूछा पैसे, मैंने कहा 100 रुपए दे दो, तो मेरे पास 100 रुपए दे गए मेरे को। देख लो ऐसे आप मांग लेते हैं, ऐसा ये मैं कभी भी नहीं मांगती, उसके मैं चाहिए भी नहीं होता, इनको हमेशा ये सब। मैंने तो अभी भी 100 रुपए ले ले, फिर भी पूछ रहे तेरे पास पैसे ही नहीं, मैंने कहा मेरे पास पड़े हैं। अच्छे कल ही पापा ने फोन पे 1500 रुपए गए थे मेरे। तो है ना, हमेशा इनके जब भी जरूरत होती है पैसे देते हैं, मतलब इन्होंने 7-8 हज़ार रुपए ले लिए, अभी पूछ गए थे पापा, बहुत अच्छे हैं हमारे ससुर जी, भगवान ऐसे पापा सबको दे, ससुर जी सबको दे, फिर बोल के गए मैं पैसे पड़े थे, मैं फोन पे कर दूंगा। छोड़ मेरा लग जाए तो मैं सो जाती हूं, मुझे बहुत ज्यादा आलस आ रहे हैं। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, अभी बज चुके हैं रात के 8, और जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा मैं रेडी हो गई हूँ। आपको पता ही, जब भी मैं रेडी होती हूँ तो कहीं ना कहीं जाती हूँ, घर में तो रेडी होती नहीं हूँ, तो आज मैं रेडी होकर जा रही हूँ। हमारी भाभी जी, केन भाभी जी, जो आप लोगों को पता ही हमारे कपल का जो ग्रुप है, उनका बर्थडे है आज, तो आप कमेंट में हैप्पी बर्थडे देना, तो उनके बर्थडे में हम जा रहे हैं बाहर खाना खाने के लिए, तो जल्दी से चलते हैं, ऑलरेडी लेट हो गया, बारिश का मौसम हो रहा है, मतलब बारिश आ रही है ऑलरेडी, हो रहा है क्या, थोड़ा थोड़ा छिटे आ रहे हैं, तो हम वैसे भीग जाएंगे, जल्दी से चलते, बारिश रुक जाए वरना और तेज रहेगी। एक चीज बताऊं को, इधर एक इतनी क्यूट लग रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है, तेरे को नजर नहीं लग जाए, थैंक यू, ऐसा करो, ऐसा करो, मैंने हां ऐसे भगवान नजर नहीं लगे, नहीं क्यूट लग रही, थैंक यू गाइस, मैं बहुत कम तारीफ करते कभी कभी। अरे यार अच्छी लगती है तू, हमेशा अच्छी लगती है, इसलिए मैं तारीफ करता हूं। सूट वगैरह पसंद है वाला, सूट हां मेरे को ऐसे सादा सिंपल ऐसे पसंद है, मेरे को सूट बहुत अच्छा लगता है, कैसी लग रही हूं, और गाइस सूट मैंने सिलवाया मेरी पसंद से इसके लिए। ठीक है गाइस, जल्दी से चलते हैं, बाद में बातें करेंगे वहां पे, ढेर सारी बाय। अभी तो गिफ्ट वगैरह भी लेना है, गिफ्ट क्या आप तो ऐसा करते हैं यार, गिफ्ट का तो समझ में नहीं आ रहा, केक ले लेते हैं। ठीक है ठीक है, ओके लेट्स गो, चले बारी सारी बात। तो यार गाइस देखो, बाहर गली में है ना, पानी पानी हो रहा है, अभी जस्ट बारिश आई थी और ऐसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, देखो बहुत ही प्यारी बारिश आ सकती है। तो चले जल्दी, चलो चले लेट्स गो। फाइनली आपका भाई आ चुका है गिफ्ट की दुकान में, और यहाँ पे गणेश जोरा की भीड़ लग रही थी, तो मैं थोड़ी सी देर, तो मैंने ब्लॉग ही शूट नहीं किया, और हम जो भी गिफ्ट लेके जाते हैं इनकी दुकान से लेके जाते हैं, और मनीष आ गया, तो अभी इसको भी गिफ्ट लेना है, और एक गिफ्ट तो यहाँ पे पैक हो रहा है। कितने सारे गिफ्ट है, गणेश सारे बहुत सारे गिफ्ट है, अगर किसी को लेना चाहो, कोई लेना चाहो ना तो आ जाना भैया, डिस्काउंट देंगे, फ्री में भी दे देंगे। हाँ सब तू पसंद कर ले, और एक मनीष के लिए भी पसंद करना है। दीपक भी हमारे पास आ गया, और इसकी वाइफ का बर्थडे है, तो हम सारे के सारे, ये मनीष है, दीपक है, हम सारे के सारे का बोले। तो यार गाइस फाइनली होटल पहुंच चुके हैं, और अभी है ना केक की तैयारी चल रही है, केक काटने की, और सबके सब बैठे हैं, रानू वगैरह सबके सब खड़े खड़े देख रहे हैं, तो अभी फोटो शूट चल रहा है दोनों का, किरण भाभी जी का और दीपक का। तो और इधर ये होटल है, इधर खाना वाना, अंदर खाने का पूरा सिस्टम है, और ये बाहर ग्राउंड है, अभी बारिश आई थी तो सबकी कुर्सियाँ वगैरह सब मतलब उल्टी कर रखी है, बाकी यहाँ पे बाहर बैठने का ग्राउंड है और अंदर बैठ के खाना खाने का है, तो अभी फिलहाल तो इनका केक कट होने देते हैं, फिर मिलते हैं। इनका भाभी जी का बर्थडे है, तो सब बर्थडे हैप्पी बर्थडे बोल देना। थैंक यू यार गाइस, केक वगैरह तो कट हो गया, अभी फिलहाल रानू दे रही है गिफ्ट, तो छोटा सा गिफ्ट पे करवा के ले गए थे। तो गाइस केक वगैरह कट करके हम आ गए खाना खाने के लिए, और खाना आ चुका है, अब बस खाना खाएंगे, मतलब प्लेटों में खाना बनानी है, अभी नहीं, अभी सर्व करेंगे, अभी आया ही खाना। ठीक है, या तो दाल आ गई और रोटी रोटी कड़ाई आऊगी, खाली अब भूल दाल दियार दियार। तो भाई अभी सबके साथ मजाक कर रहे हैं, अभी तक भी इसने खाना नहीं खाया, सबके लास्ट में उठ रही है, और देखो अभी तक भी उठ जाए, अब तो सबने खाना खा के, सब खाना खा के उठ चुके हैं, और अभी लास्ट में, हाँ सबके लास्ट में सबसे ज्यादा इसी ने खाया है, सबके लास्ट में भी। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं घर पे, खाना वाना खा के बर्थडे सेलिब्रेट करके, देखो 11 बजने 15 मिनट है बस, 12 बजने वाली, जल्दी चेंज कर लेती हूँ और सो जाती हूँ, थक भी गई और बहुत गर्मी लग रही बहुत ज्यादा।